Uh, we learned a lot through the stories. Uh, बस एक कुछ हलचल यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ लोग कुछ जाने का सोच रहे हैं तो जाइए मत उधर पुणे में एक पुल टूटने वाला है लेकिन इधर आप अमृतकाल के बारे में आगे जानने वाले हैं तो जाइएगा मत सो ऑन दैट नोट मुझे ये भी कहना था कि uh, जो है कहानियों के ज़रिए हम लोग बहुत कुछ जान लेते हैं तो एक लेकिन uh, एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा पता नहीं मुझे क्यों इससे रिलेटेड uh, शेर व शायरी याद आ जाती है तो एक कहानी अनकही रह गई एक कहानी अन कहीं रह गई पहुंची नहीं मंजिल तक रास्तों में कहीं रह गई तो ये इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बहुत अच्छा बता रहा है आपको तो इसलिए जैसा उन्होंने कहा अनिश जी ने कि यू शुड बी कंटिन्यूंग विथ योर एस आई पी इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग द नॉइज़ आउटसाइड जस्ट इग्नोर इट एंड कंटिन्यू इट फॉर द लॉन्ग टर्म और इसमें एक और चीज़ मिली मुझे कि हर इंसान की दो कहानियाँ होती है हर इंसान की दो कहानियाँ होती है एक वो जो वो सबको सुनाता है और एक वो जो सबसे छुपाता है तो वो छुपने वाली कहानी बताइए अब किसी ने यहाँ किया है क्या इन्वेस्ट क्रिप्टो वगैरह एन एफ टीज क्रिप्टो एंड ऑल कोई जिसमें उसको लॉस आया है ऐसा ऐसी कोई कहानी लेकिन वो छुपा रहा है ना लेकिन बताने वाली कहानी एस आई पी के ज़रिए ही आएगी ये बात बिल्कुल सही है ऑन दैट नोट आई वुड नाउ लाइक टू वेलकम मिस्टर संदीप भू शेट्टी डायरेक्टर ऑफ फीफा टू इंट्रोड्यूस मिस्टर कृष्ण शर्मा नमस्कार पुणेकर आत्तापर्यंत हिंदी इंग्रजी या माध्यमातून सगळ्यांनी आपल्याशी संवाद साधला आहे मी मराठीतनं संवाद साधतो पिफाच्या वतीने आपण असे जे कार्यक्रम करतो इन्व्हेस्टर अवेअरनेस प्रोग्राम हे सातवं वर्ष आहे आपण सातत्याने पुण्यामध्ये आपल्या पुणेकरांसाठी हे कार्यक्रम घेऊन येत असतो ज्या दिवशी पिफानी या संकल्पनेला सुरुवात केली त्या संकल्पनेतल्या पहिल्या कार्यक्रमापासून आजच्या कार्यक्रमापर्यंत एक वक्ते आपल्यासोबत कायम आलेले आहेत आणि पुण्यामध्ये या वक्त्याला फार डिमांड आहे किंवा प्रसिद्धी आहे असं मी म्हणेन एच डी एफ सी म्युच्युअल फंडाकडनं आज आपल्यासमोर येत आहेत किशन शर्मा ज्यांचा अत्यंत मोठा अनुभव आपल्या कारकिर्दीत आहे एकोणतीस वर्ष झाले ते या इंडस्ट्रीमध्ये काम करतात एच डी एफ सी बरोबर गेली पंधरा वर्ष ते काम करत आलेले आहेत त्यांचं ग्रॅज्युएशन इकॉनॉमिक्स आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन मॅनेजमेंट अकाउंटन्सीमध्ये झालं आत्तापर्यंत भारतातल्या दीडशेपेक्षा जास्त शहरांमध्ये दीड हजारपेक्षा जास्त तुमच्यासारख्या वक्त्यांच्या समोर त्यांनी आपलं नॉलेज शेअर केलेलं आहे आणि संपूर्ण भारतामध्ये बहुतांशी मला वाटतं किशनजी प्रत्येक संध्याकाळी इन्व्हेस्टरशी बोलत असतात आणि आपल्यामधला कॉन्फिडन्स ते आपल्या इन्व्हेस्टरपर्यंत देत असतात नुकतंच आपण पंधरा ऑगस्टला हो भारताच्या स्वातंत्र्याचे पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण केलीत आणि आज आपण भारताच्या शंभराव्या वर्षी म्हणजे दोन हजार सत्तेचाळीसपर्यंत भारत कसा असेल भारताची अर्थव्यवस्था कशी असेल आणि का प्रत्येक इन्व्हेस्टरनी आज गुंतवणूक करणं अत्यंत गरजेचं आहे ह्या संदर्भात आपण किशनजींकडून ऐकणार आहोत सो आय वेलकम किशन शर्माजी ऑन स्टेज अँड स्टेज इज युअर सर ए बेग राऊंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम ऑर यू आर बी अ वंडरफुल ऑडियंस क्योंकि मोबाइल फ़ोन बहुत कम बजे थे बट दिस टाइम यू मे टेकआउट द मोबाइल फॉर अ डिफरेंट रीज़न जो भी आपके पास में नोट्स की एप्स वगैरह हैं कीप या जो कुछ आप यूज़ करते हैं तो वो ज़रूर यानी कल खोल लीजिए क्योंकि यू विल हैव मैनी थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम यर थैंक यूज थैंक यू थैंक यू संदीप जी नमस्कार दोस्तों माफी चाहता हूँ मराठी में बात नहीं कर पाऊँगा हिंदी चलेगी ना बहुत बहुत शुक्रिया फीफा कि आपने मुझे मौका दिया ये हाउ टू ऑपरेट इट दिस इज ओके राइट सो बहुत बहुत शुक्रिया फीफा आपने मुझे पांचवीं बार मौका दिया फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स एवरी ईयर आई बीन इन्वाइटेड हियर उसके लिए बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया हर बार जब मैं यहाँ पर आता हूं तो चिंता में रहता हूँ क्या बात करूँ लेकिन जो मेरे से पहले स्पीकर्स आते हैं वो मेरी मदद कर देते हैं क्या बात करूँ पर आज दिक्कत हो गई है मैं भूल गया हूं कि मुझे क्या बात करनी है क्योंकि मुझे याद सिर्फ ये है कि पड़िया साहब ने क्या बात की और भटनागर साहब ने क्या बात की मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं एट द सेम टाइम फ्रेंड्स लेट मी टेल यू ये मेरा पैशन है और पैशन उसे कहते हैं जो आप फुर्सत में करते हैं तो मैं ये जो काम करता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना ये मेरी फुर्सत का काम है तो बहुत सीरियसली गंभीरता से मेरी बात को मत लीजिएगा क्योंकि कभी कभी यूं ही मैं अपने जी को बहलाया करता हूं जिन बातों को खुद नहीं समझा और उनको समझाया करता हूं सीरियसली और पढ़िया साहब की बात से सावधान रहिएगा मुझसे कहा गया है कि मैं आपसे दो की बात करूं तो उसमें परेशानी क्या है दोस्तों उसमें परेशानी यह है कि दो से पहले 2040 आएगा 2040 से पहले 2030 आएगा 2030 से पहले 2025 आएगा और 2025 से पहले 2023 आएगा और हमें 2022 में और पटिया साहब कह रहे हैं 2023 में खतरा है तो इस खतरे को पार करेंगे तभी तो सैतालीस पहुंचेंगे और यही कंफ्यूजन है दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स का दुनिया के एक सबसे महान अर्थशास्त्री कहा करते थे इन लॉन्ग टर्म एवरीबडी इज डेड सैतालीस में कितने लोग जिंदा रहेंगे ये भी सोचने वाली बात है तो इन्वेस्टमेंट में केवल लॉन्ग टर्म के भरोसे मत रहिएगा दोस्तों लॉन्ग टर्म इज टोटल ऑफ शॉर्ट टर्म अगर आपने शॉर्ट टर्म को प्रोटेक्ट नहीं किया तो लॉन्ग टर्म नहीं पहुंचेंगे हाँ लॉन्ग टर्म की कहानी बहुत अच्छी है नो डाउट इन दिस 25 साल की बात की थी जी ने आपसे और कहा था कि कोई व्यक्ति अगर पच्चीस हजार रुपया महीना जमा करता है 25 साल तक तो वो पांच करोड़ रुपए तक पहुंचता है पच्चीस साल मैं भी आगे पच्चीस साल की आपसे बात करूंगा आने वाले पच्चीस साल में इतना पैसा बनेगा इतना पैसा बनेगा और जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं आप हंसेंगे मूर्ख आदमी पता नहीं क्या बोल रहा है हवा में बोल रहा है क्योंकि कंपाउंडिंग आसानी से समझ में नहीं आती है दोस्तों पचहत्तर साल की आजादी सौ साल होने वाले हैं सरकार इस बात को जानती है मोदी साहब बेहतर जानते हैं इसलिए इस पच्चीस साल को उन्होंने शब्द दिया है अमृतकाल आजादी का अमृत महोत्सव इस 25 साल में आप कितना पैसा बनाएंगे मैं वहां से शुरू करूंगा लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनिएगा अगले 25 साल का मतलब है आजादी के 100 साल पूरा होना और आजादी के 100 साल में 25 के चार टुकड़े होते हैं पहला 25 पूरा हुआ उन्नीस में दूसरा 25 पूरा हुआ उन्नीस में उन्नीस में नाइनटीन तीसरा पच्चीस पूरा हुआ दो में और चौथा पच्चीस पूरा होगा टू सेवन में ध्यान से मेरी बात सुनिएगा गौर से मेरी बात सुनिएगा 1947 जी डी पी तो आप समझते हैं हिंदुस्तान की आमदनी वो पहले पच्चीस साल में सवा दो गुना बढ़ी कितनी बढ़ी सवा दो गुना दूसरे पच्चीस साल में वो साढ़े तीन गुना बढ़ी तीसरे पच्चीस साल जो ये पच्चीस साल है इसमें वो दस गुना बढ़ी दस गुना बढ़ी और अगले 25 साल में 18 गुना बढ़ेगी दोस्तों कितना ही? पहले 75 साल में कितनी बढ़ी दो प्लस तीन पांच प्लस दस पंद्रह और एक सोलह 75 साल में कितने गुना हुई सोलह गुना और केवल पच्चीस साल में कितनी हो जाएगी अठारह गुना और तो और पच्चीस साल छोड़िए अगले पांच साल में आपकी मेरी दौलत मेरी आमदनी आपकी मेरी आमदनी दुगनी हो जाएगी कि आप इसके लिए तैयार हैं यही हम थोड़ा सा बात करेंगे पर मैं केवल यह बात नहीं करूंगा आपसे मैं बहुत सी बातें आपके साथ करूंगा क्योंकि पैसा कैसे बनता है यह भी तो जानना जरूरी है एक कहानी मुझे अवनीश जी की बहुत पसंद आई जहां उन्होंने कहा कि आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड रहना है उसी में आपकी कामयाबी है उन्होंने आपको रोहित और मोहित की कहानी सुनाई थी मैं उनसे अवनीश जी से कहूंगा कि थोड़ा सा उसमें एक चेंज कर दें कि रोहित का जो रिटर्न है वो बारह से बढ़ा के चौबीस कर दे तब भी वो उस पैसे पे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनने समय बहुत कम दिया तो समय में खास बात क्या है मैं आपको जंगल लेके चलता हूं क्योंकि हम भी तो जानवर हैं आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं हम जानवर हैं बहुत सिंपल है दोस्तों मेरे जीवन का अपना अनुभव यह है कि हम इस बात से परेशान नहीं है कि मुकेश अंबानी के पास कितनी दौलत है हम इस बात से परेशान है कि पड़ोसी के पास इतनी क्यों है है कि नहीं बताइए आप पता नहीं इंसान को ऐसा ही भगवान ने बनाया है सबसे बड़ी चुनौती यह है अवनीश जी ने जो ज्ञान दिया आपको मुझे यकीन है हम में से ज्यादातर लोग उसको ठुकरा देंगे मुझे यकीन है इस बात का अवनीश जी बुरा मत मानिएगा कोई फायदा नहीं होगा इन बातों को कहने का मैं प्रमाण दे सकता हूं अगर आप मेरे से ईमानदारी से बात करेंगे करेंगे आप पक्का आपको हेल्थ पहले चाहिए या वेल्थ पहले चाहिए क्या पहले चाहिए पहला सुख निरोगी काया श्योर रोजाना मॉर्निंग वॉक से अच्छी हेल्थ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है रेज और हैंड्स कितने लोग रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ईमानदारी से रोजाना जाते हैं अब जी मुड़ के देख लीजिए आप।, आप ये जानते हैं कि आपको हेल्थ चाहिए आप ये भी जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक से मिलती है तो फिर जाते क्यों नहीं जब आप हेल्थ के लिए सही निर्णय नहीं ले सकते तो वेल्थ तो बहुत दूर की बात है दोस्तों आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि ईश्वर ने हमें एक बड़ी चुनौती दी है और वो चुनौती ये है, दी है कि दिमाग तो एक दिया है पर इंद्रिया पांच दी है तो इसमें दिक्कत क्या है इसमें दिक्कत है एक महान कलाकार राजू श्रीवास्तव अभी हमारे बीच में नहीं है उनका हाल ही में देहांत हुआ उन्होंने एक बार एक दारू पीने वाले के बारे में बात कही जो दारू पीता है, बेवड़ा बोलते हैं ना आप लोग मराठी में क्या बोलते हैं उसको तो उसका लीवर खराब हो गया और दिन रात दारू पीता था उसका लीवर खराब हो गया और मर गया और मर के जब स्वर्ग गया तो चित्रगुप्त ने कहा इसने बहुत पाप किए हैं यमराज इसको वापस धरती पर भेजिए इसको वापस जन्म दीजिए इसको वापस धरती का दुख भोगने दीजिए इसको मोक्ष मोक्ष नहीं मिल सकता ये बहुत शराब पीता इसने बहुत पाप किए हैं उसने ये बात सुनी वो खुश हो गया कि हाँ मैं तो खुद धरती पर जाना चाहता हूँ किसको चाहिए मोक्ष लेकिन एक रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट ये है कि इस बार जब मैं धरती पर जाऊं तो मुझे दांत भले एक देना लीवर बत्तीस देना बात समझ रहे हैं आप उसने पकड़ लिया कि उसको दिक्कत क्या है उसको दिक्कत क्या है कि उसके पास बत्तीस लीवर नहीं है इसी तरह से आपके पास दिक्कत क्या है आपके पास पांच इंद्रिया है ये आपकी दिक्कत है दोस्तों क्योंकि रात को आप मोबाइल में अलार्म लगाते हैं कि सुबह पाँच बजे उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा उससे मुझे अच्छी सेहत मिलेगी और जैसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए बेल बचती है सुबह आपकी अलार्म बचता है उस वक्त आपकी नींद खुलती है तो पाँचों इंद्रियों में से एक इंद्रिया है आँख आपको आँख खोलनी पड़ती है आप बिस्तर से बाहर निकलते हैं तो चमड़ी बोलती है चमड़ी आपको क्या कहती है एक बात बता सोने में मज़ा आएगा कि घूमने में मज़ा आएगा बताइए आप क्या करेंगे जब आपकी इंद्रियां आपसे सवाल पूछेगी कि घूमने में मजा आएगा कि सोने में मजा आ रहा है जवाब क्या मिलेगा तो हम वापस शॉर्ट टर्म रोजाना मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे दो साल के बाद सेहत मिलेगी लॉन्ग टर्म पर उस लॉन्ग टर्म तक पहुंचने के लिए सोबे की संघर्ष है कि उठ के बाहर निकलना है दोस्तों तो शॉर्ट टर्म को प्रोटेक्ट कीजिएगा तभी बात बनेगी जो रोहित और मोहित की कहानी है इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हमें यह जरूरी है मैं आपको जंगल लेके चलता हूं क्योंकि हम भी जानवर हैं और जानवर क्यों हैं क्योंकि हम दूसरों से ज्यादा कमाना चाहते हैं आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी अगर आप एक प्रण करें और वो प्रण ये करें कि अपने एडवाइजर के साथ बैठ के ये तय करें कि आपको कितना रिटर्न चाहिए बारह परसेंट रिटर्न चाहिए बस जो जी ने आपके सामने जिक्र किया बारह परसेंट आप इस बारह परसेंट को अपने जीवन का ध्येय बना लीजिए आप में से कोई भी नाकामयाब नहीं होगा पर जिस दिन आपने ये कोशिश की कि आप दूसरों से ज्यादा कमाना चाहते हैं ठोकर लग जाएगी दोस्तों क्योंकि उसमें दुर्घटनाएं होती हैं कभी आप सड़क पर दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं हां या ना क्या आप कभी कोशिश करते हैं सड़क पर हमेशा आपकी गाड़ी आगे रहे कभी नहीं करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा और आप घर नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों निवेश में बेंचमार्किंग मत कीजिए कि मुझे इससे ज्यादा कमाना है तय कीजिए कि आपको कितना कमाना है उतना ही पर्याप्त है जिससे आपको अपने जीवन के सपने पूरे होते हैं क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है दोस्तों जीवन का एक ही उद्देश्य है चाहे मैं अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूं या हिंदुस्तान के शास्त्र पढ़ूं हिंदुस्तान के शास्त्र ये कहते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है आपके जीवन का उद्देश्य है धर्म का पालन करते हुए कर्म करना कम करते हुए अर्थ का अर्जन करना पैसा कमाना हिंदुस्तान में जरूरी माना गया है और अर्थ अर्जन के बाद मोक्ष को प्राप्त करना कितनी खूबसूरत बात है पर इसी शास्त्र यही शास्त्र आपसे कहता है कि पहले 25 साल सीखो ब्रह्मचर्य कैसे पैसा कमाना है अगले 25 साल गृहस्थ पैसा खूब कमाओ उसके अगले 25 साल जो पैसा आपने कमाया है उसको समाज के लिए इस्तेमाल करो और आखिरी पच्चीस साल में इस पैसे को पूरा ही छोड़ दो तो पैसा छोड़ने के लिए होता है जो इस लक्ष्य को समझ जाता है वो अच्छा इन्वेस्टर बन जाता है हम विस्तार से इस चीज को बात करेंगे इसके साथ उन दो हजार की भी बात करेंगे पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको क्या समझना है जिससे ज्यादा पैसा बनता है पहला ये दूसरे से ज्यादा कमाने की कोशिश ना करें और दूसरा क्या है आप अगर जंगल में जाएंगे और मैंने क्यों कहा कि हम जानवर हैं कभी आपने जंगल में देखा है जानवर क्या कोशिश करता है जानवर के लिए धन क्या है खाना हर जानवर क्या कोशिश करता है दूसरे से ज्यादा खाना हड़पना देखा है आपने कभी वो झगड़ा करता है दूसरे जानवर से ये मेरा खाना है वो ज्यादा शेयर चाहता है सबसे बड़ा शेयर चाहता है हम भी तो यही चाहते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे मिले सबसे ज्यादा पैसा मुझे मिले तो एक बहस है वेस्ट में साइकोलॉजिस्ट में वो बहस ये है कि हु आर वी आर वी फॉलन एंजल्स और वी राइजिंग बीस्ट मेरा ये मानना है कि वी आर राइजिंग बीस्ट वी आर नॉट एंजल्स तो राइजिंग बीस्ट का मतलब क्या है कि हमारे अंदर अभी भी जानवरों का इंस्टिंक्ट है तो ये जानवर कौन सा कामयाब होता है दो तरह के जानवर होते हैं जंगल में एक जो कि हबी होता है घास फूस खाता है दूसरा जो कार्निवोर होता है जो इनको खाता है एक तीसरा भी होता है जो कुछ भी खा सकता है इसको आप कहते हैं पर जो ये प्रिडेटर्स होते हैं कार्निवोरस कार्डिडेटर्स जो दूसरे पे हमला करके खाते हैं शेर चीता लोमड़ी जकाल कुत्ते भालू भालू टू एन एक्सटेंट हाइनाज ये दूसरों पर हमला करते हैं और शिकार करते हैं ये जितने भी शिकारी जानवर हैं इनमें सबसे कामयाब शिकारी कौन सा होता है आप जानते हैं सबसे कामयाब शिकारी कौन सा होता है शिकार के लिए क्या करना होता है एक दूसरे जानवर जो, जो जानवर आपका शिकार उसके पीछे भागना होता है कि तो तो ओके? तो और देखने में सबसे कमजोर दिखता है वो देखिए उसको दुबला पतला सा कमजोर सा दिखाई देता है सबसे ताकतवर शेर होता है सबसे तेज भागने वाला चीता होता है सबसे ज्यादा अकलमंद होता है लेकिन इनके शिकार करने में उतनी कामयाबी नहीं होती है शेर तो बहुत कमजोर है दस बार कोशिश करता है तो दो बार कामयाब होता है चीता दस बार कोशिश करता है तो पांच बार कामयाब होता है थोड़ा सा दौड़ता है थक के बैठ जाता है लेकिन कुत्ता जब शिकार के लिए निकलता है तो नाकामयाब होता ही नहीं है बहुत मुश्किल है नाइन्टी परसेंट केसेस में वो कामयाब ही होता है हमेशा कामयाब होता है क्या कारण है इसका कारण यह है कि कुत्ता घंटे दो घंटे तक लगातार एक की स्पीड पे दौड़ सकता है वो न सबसे ताकतवर है न सबसे तेज भागता है वो क्या करता है लगातार भागता है और जब वो लगातार भागता है उसका हर शिकार थक जाता है थक के शिकार खुद ही गिर जाता है और वो जिंदा ही खा जाता है जिंदा क्यों खा जाता है क्योंकि वो कमजोर है वक्त लगाएगा तो शेर आके हड़प लेगा तो हम इन कुत्तों से क्या सीख सकते हैं कंसिस्टेंसी निरंतरता पोर्टफोलियो कैसा बनाना है कभी वो पोर्टफोलियो मत बनाएं जो ज्यादा रिटर्न पाने की कोशिश करता है हमेशा वो पोर्टफोलियो बनाएं जिसके साथ आप हमेशा टिक सकें चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो और बाजार में कल क्या होगा हम सिर्फ कयास लगाते हैं दोस्तों बहुत बार बाजार में कल वो होता है जो हम नहीं जानते हैं आपने ऐसा देखा कि नहीं देखा ईमानदारी से दिल पे हाथ रखिए किसने बताया था कोविड में इस रफ्तार से बाजार बढ़ेगा किसी ने बताया था दुनिया में आपको नहीं बताया था ना तो हमें इश ये जो बाज़ार है ना आने वाले समय में कैसा होगा ये ईश्वर पर छोड़ दीजिए हाँ इकोनॉमी कैसी होगी ये समझना बहुत ज़रूरी है वक्त मिला तो एक दूसरी कहानी भी आपके साथ जरूर करूंगा जो आप जी ने बात कही वॉलीटिलिटी और बाजार में गिरावट जो ब्रेक्स की कहानी इन्होंने सुनाई थी बड़ी खूबसूरत बात है और वही मूल मंत्र है आप समझ लीजिए निवेश को समझने का कि आपको बाजार में गिरावट क्यों चाहिए पर वो आखिर में हम बात करेंगे क्योंकि वक्त की कमी रहेगी मुझे नहीं मालूम मुझे कितनी देर का वक्त दिया जाएगा आप मुझे रोक दीजिएगा मुझे समझ में नहीं आता आधा घंटा कब हुआ ठीक है यस प्लीज स्टॉप मी तो दोस्तों पैसा कैसे बनता है पहले तो ये समझिए क्यों हिंदुस्तान के आने वाले साल अच्छे हैं अगर ये बात समझ में आ गई तो विश्वास पैदा होगा जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो होगी और ये क्या है ध्यान से देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी शादी हो रही थी बीस बाईस साल पुरानी बात है तो मेरी शादी में एक प्रसंग आया उसमें क्या था पंडित जी ने एक थाल मंगवाया थाल में पके हुए चावल थे चावल में घी डाला गया और शक्कर खांड शुगर जिसको आप बोलते हैं वो डाले गई एक मिश्रण बनाएगा मीठे चावल का और पंडित जी ने मुझसे कहा कि मैं पत्नी को खिलाऊं और पत्नी को कहा होने वाली पत्नी उसको खिलाऊं और उसको कहा वो मुझे भोजन कराए मुझे बड़ा अटपटा सा लगा सामने थाली रखी है हम खुद भी खा सकते हैं हम एक दूसरे क्यों खिलाए इसका क्या कारण है मैंने पंडित जी को उस वक्त पूछा उन्होंने कहा अभी शादी होने दो बाद में बात करेंगे और बाद में मैं उनको याद दिलाया कि आपने ऐसा क्यों कहा कहते हैं कि एक बार क्या हुआ इसके पहले एक बार सवाल सुनिएगा आपने अपने शहर पुणे में दौलत बनते हुए कब देखा बहुत तेजी से पैसा बढ़ रहा है पुणे में कब से देखने लगे आप ये बात कब से आपने नोटिस किया कि पुणे में बहुत पैसा बन रहा है वेल्थ स्टार्टेड क्रिएटिंग इन पुणे कब से आई टी कंपनी सन बताइए नाइनटीज के बाद नाइन्टी फाइव के बाद और मोस्टली टू थाउजेंड के आसपास इट हर चीज के दाम बढ़ने लगे प्लॉट के दाम बेताशा बढ़े और आपको ऐसे लगने लगा कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है तो आपको बात समझ में आएगी कि आपके पास इतना पैसा क्यों आया तो वो उस वक्त जब पंडित जी से शादी हो गई तो मैंने पंडित जी को याद दिलाया बताइए साहब वो ऐसा आपने क्यों करवाया तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के दो पुत्र हैं एक सुर एक असुर देव और असुर देवता और असुरों में हमेशा संग्राम होता रहता है धनी कौन है ऐश्वर्य किसके पास है देवताओं के पास असुर इतने धनी नहीं है उनमें ऐश्वर्य नहीं है इतना पैसा उनके पास नहीं है तो वो बड़े बड़े ही नाराज हुए ब्रह्मा जी से कि हम भी आपके ही बच्चे हैं वो भी आपके ही बच्चे हैं पर आप हमारे साथ भेदभाव रखते हैं आपने सुनिश्चित किया है कि देवता सदैव धनी रहेंगे और हम निर्धन रहेंगे इसलिए हम देवताओं से लड़ते हैं क्योंकि हमें भी धन चाहिए आपने हमारे साथ भेदभाव किया है ब्रह्मा जी कहते हैं अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी तुम पूर्वाग्रह से परेशान हो ऐसा करो मैं तुम्हें थोड़ा इंतजार करूं मैं तुम्हें बताऊंगा इसका कारण क्या है तो एक दिन ब्रह्मा जी ने देवताओं को और असुरों को भोजन पे बुलाया भोजन का समय हो गया सुबह से वो भूखे हैं तेज भूख लग रही है सबको भोजन के लिए बिठाया गया सबके सामने थाली लगा दी गई भोजन में थाली में भोजन रखा है अच्छी महक आ रही है और यहाँ भूख लग रही है खाने की इच्छा हो रही है और जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा खाना शुरू कीजिए ब्रह्मा जी ने कहा आप खाना शुरू कर सकते हैं पर मेरी एक शर्त है और शर्त यह है कि जब आप खाना खाएंगे तो ये कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए दिस एल्बो शुड नॉट टर्न कि आप ऐसे खाना खा सकते हैं जैसे ही ब्रह्मा ने यह बात कही असुर नाराज हो गए भला बुरा कहने लगे अपशब्द कहने लगे आप हमें अपमानित कर रहे हैं आपने हमें भोजन पर निमंत्रित किया सुबह से बैठा के रखा सामने भोजन रखा है हमें भूख लग रही है और ऐसी शर्त रख रहे हैं कि हम खाना खा नहीं सकते और वो उठ के जाने लगे कुछ असुर जो बहुत ज़्यादा भूख से परेशान थे उन्होंने शर्त को मान लिया अपने हाथ को पीछे ले गए अपने मुंह को थाली में ले गया और खाना खा लिया ऐसे खाना कौन खाता है पशु खाता है और जब वो नाराज़ हो कि जाने लगे तो ब्रह्मा उन्हें रोकते हैं रुकिए पहले समझिए तो सही कि मैंने आपको क्यों बुलाया था आपने मेरे से सवाल पूछा था कि देवता इतने धनी क्यों हैं इसलिए मैंने ये शर्त आपके सामने रखी तो असुर बोलते हैं इसमें क्या इससे हमें क्या समझ में आता है देखिए देवताओं की तरफ देखिए वो क्या कर रहे हैं आप जानते हैं देवताओं ने क्या किया होगा एक दूसरे को खिलाया दिस इज कॉल्ड कोलोबरेशन एंड ऐश्वर्य किसके पास आता है जब दो लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं दोस्तों जो भी एक दमड़ी आप कमाते हैं जो भी एक रुपए का टुकड़ा आप कमाते हैं वो हमेशा किसी न किसी का खर्चा होता है कभी गौर किया है आपने इकोनॉमी इज जस्ट टू थिंग्स डबल एंट्री सिस्टम इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू economy एंड इकोनॉमी इज record ऑफ एक्सचेंज जिस देश की सरकार जैसा वातावरण बनाएगी खर्चा करने का उतना ज्यादा आपके देश में दौलत बढ़ेगी अब 90s में क्या हुआ था आप जानते हैं दो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन दोनों से क्या फर्क पड़ा लिबरलाइजेशन से क्या हुआ बताइए मेरे पिता ने कहा कि जब उन्होंने जीवन का पहला रेडियो खरीदा उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ा मेरे पिता ने कहा जब उन्होंने पहली साइकिल खरीदी उसके लिए आर जाना पड़ा मेरी दादी ने मुझे बताया कि घर एक बार बिखर घर में एक बार नुकसान हो गया था बारिश से रिपेयर करने की ज़रूरत थी एक महीना लगा कलेक्ट्रेट ऑफिस से परमिट लेने के लिए सीमेंट खरीदने के लिए परमिट फ्रॉम कलेक्टर यकीन आता है विश्वास होता है तो उस जमाने में एक्सचेंज कम होता था और जब एक्सचेंज कम होता था तो इकोनॉमी में ग्रोथ कम होती आप ये दुकान खोल सकते हैं ये फैक्ट्री नहीं खोल सकते ये फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी लाइसेंस राज बोलते थे कभी शब्द सुना है आपने ये लाइसेंस राज जब तक सरकार ने उद्योगपति को ये नहीं कहा और आप तो साक्षी हैं आपका शहर तो ऑटोमोबाइल का शहर है जब तक सरकार ने उद्योगपति को यह नहीं कहा कि आप बाहर से तकनीक ला सकते हैं तब तक आप पांच साल इंतजार करते थे स्कूटर के लिए याद आया वो दिन आप में से यंग लोगों को शायद ये दिन मालूम नहीं होगा ये तो हिंदुस्तान में हुआ और दुनिया में क्या हुआ 1995 में दुनिया के 200 देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम है डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ डब्ल्यूटीओ फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड अमंग नेशंस मूवमेंट ऑफ कैपिटल लेबर गुड्स एंड सर्विसेज उसके बाद दुनिया में पैसा बनने लगा लेकिन उसमें दुनिया में पैसा कैसे बना यह बड़ा इंटरेस्टिंग है और हिंदुस्तान इस यज्ञ में कहा रह गया ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये दोनों हम बात करेंगे और आपको बात समझ में आएगी कि पिछले 25 साल चीन के क्यों थे और अगले 25 साल हमारे क्यों हैं बहुत चीन बहुत भारी समस्या में है पड़िया साहब ने आपको विस्तार से बताया था लेकिन उसको मैं और ज्यादा एक आम शहरी के रूप में आम भाषाई के रूप में हम कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपके साथ बात करूंगा हमारे शास्त्र एक दूसरी बात कहते हैं और खूबसूरत बात कहते हैं एक्सचेंज कैसे होगा हिंदुस्तान में जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो वो एक ईश्वर से प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना क्या है मुझे निर्वाण मिले मुझे क्या मिले मोक्ष मिले और मोक्ष का मतलब यह है कि मैं पुनः पैदा हो इस धरती पर नहीं आऊं इसके लिए आपको अच्छे कर्म करने होते हैं तब आपको निर्वाण मिलता है लेकिन वहां पर भी एक कंडीशन रखी है हमारे शास्त्रों ने आप जानते हो कंडीशन क्या है वो कंडीशन क्या है एनी आइडिया आपने अभी अभी कौए की बात चल रही थी अभी कौओं के दिन थे चौदह पंद्रह दिन क्या दिन थे वो बताइए पिंडदान पितृपक्ष क्या है ये आपको मोक्ष नहीं मिलेगा अगर आपका धार संस्कार और आपका पिंडदान आपके बच्चे नहीं करेंगे तो क्या मतलब हुआ हर व्यक्ति जो धरती पर आता है वो ये सुनिश्चित करता है वो ये सुनिश्चित करता है कि मैं जब इस धरती से जाऊंगा तो पीछे बच्चे को बच्चे को छोड़ के जाऊंगा बर्थ रेट शुड ऑलवेज बी हायर देन डेथ रेट कितनी खूबसूरत व्यवस्था है आपको बात समझ में नहीं आएगी कि मैं धार्मिक बात कर रहा हूं आर्थिक बात कर रहा हूं या सामाजिक बात कर रहा हूं ये दोस्तों आर्थिक बात है ये सामाजिक और धार्मिक बात धर्म के सहारे अर्थ का संचालन किया गया है क्या कहा था प्रया साहब ने आपको हम उनके बिजनेस क्यों खरीद पाए कि या तो उनके पास बच्चे नहीं थे या उनके बच्चे इस काम को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं थे चीन की समस्या क्या है चीन में एक्सचेंज कम हो रहा है क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अब उसको डोमेस्टिक ग्रोथ चाहिए जो वो समझ गया था 2018 में पर क्यों नहीं कर पा रहा है क्योंकि मरने वाले ज्यादा हैं हैं पैदा होने वाले कम और जो बच्चा चीन में 2019 में पैदा हुआ है ना उसके साथ क्या है उसके पास एक माँ है एक बाप है उसका जो बाप है वो भी एक ही बच्चा है अपने माँ बाप का और उसकी जो माँ है वो भी एक ही बच्ची है अपने माँ बाप की और उसके माँ के माँ बाप हैं उसके बाप के मां बाप हैं छह लोगों का वो एक ही बच्चा है बात समझ में आ रही है आपको छ लोगों का वो एक ही बच्चा है क्या खरीदेगा जिंदगी में छह घरों की दौलत आ रही है उसके पास बात समझ रहे हैं आप चाइना इज एन डीप ट्रबल चाइना की बात करने के लिए मैं आपके पास में नहीं आया हूं लेकिन ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं मैं आपसे दुनिया की बात करूंगा मैं हिंदुस्तान की बात आखिर में करूंगा हिंदुस्तान की ताकत आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक दुनिया की कमजोरी समझ में नहीं आएगी तो क्या ताकत है हिंदुस्तान की और क्या कमजोरी है दुनिया की लेकिन जो हिंदुस्तान की ताकत है वो आपकी कमजोरी बन सकती है तो ये क्या है बहुत ध्यान से हम इस बात को समझेंगे बहुत मामूली बात है पर बहुत जरूरी बात है और ये बात कहानी जाके खत्म सैंतालीस पर ही होगी आप सोच रहे होंगे सैंतालीस का अंक हो गया अभी तक नहीं आया है ठीक है वो आएगा सैंतालीस ही आगे नहीं बढ़ रहा है सर ये टू ऑन इट स्विच ऑन इट सॉफ्टवेयर Which one? Yeah. Ah, I just, I just I Have to go back. Uh, make it that way, now Yes. <clears throat> okay, I, I'll 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 quickly try to understand. Uh, uh, we'll cover the thing which I want to complete.

माइक्रो का मतलब है आपके साथ क्या होता है मैक्रो का मतलब है हिंदुस्तान के साथ क्या होता है और यह हमेशा इसके अंदर अंतर होता है बड़ा भारी अंतर होता है एक बात बताइए दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है पैसा किसके पास सबसे ज्यादा यूएस और दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा कौन करते हैं उधार लेके बात समझ में आई आपके है ना अजीब सी बात बचत करना अच्छी बात है कि बुरी बात है अच्छी बात है तो पुणे में सभी लोग बचत करेंगे कल से पुणे का हर नागरिक बचत करेगा अधिक से अधिक बचत करेगा और कल्पना करें दुनिया में इंसान और कहीं नहीं बसता है ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना इंपोर्ट कर सकते हैं और हर व्यक्ति बचत करेगा ज्यादा से ज्यादा बचत करेगा क्योंकि आप कह रहे हैं बचत करना अच्छी बात है क्या होगा क्या होगा बताइए आप, आप में से आधे लोगों की नौकरियां चली जाएंगे दोस्तों दूसरे का खर्चा ही आपकी इनकम है ठीक है लेकिन बचत करना भी जरूरी है तो इकोनॉमिक समझना आसान नहीं है इकोनॉमिक समूह के रूप में अलग होती है व्यक्ति के रूप में अलग होती है तो ये एक घटना घटी है दुनिया में जो हिंदुस्तान की ताकत है लेकिन आपकी कमजोरी है कैसे समझिएगा ध्यान से और ये आपकी सबसे बड़ी चुनौती है आप मेरी आगे की बात सुने न, न सुने मुझे परवाह नहीं लेकिन ये बात जरूर सुनिएगा क्योंकि ये बात आपको महान संकट में डालने वाली है और ये बात क्या है दोस्तों हम दो लाख सालों से दुनिया में हैं कितने सालों से दो लाख सालों से दुनिया में हम शहरों में रहते हुए केवल पांच हजार साल हुए शहर या गांव कस्बा जो भी बोलिए आप तो जब से हम दुनिया में हैं तब से एक घटना कभी नहीं घटी और वो घटना क्या थी लुक एट नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी लेस देन फोर इयर्स दे आर जस्ट एट परसेंट ब्लू कर्व लुक एट द ब्लू कर्व एंड लुक एट पीपल प्लस सिटीजन सीनियर सिटीजन दे आर मोर देन थर्टीन परसेंट ये दुनिया में आज तक पहले कभी नहीं था वॉट आई वॉन्ट टू से आई बॉर्न इन सिक्सटी एट ऑल माई सिबलिंग्स बॉर्न बिटवीन सेवेंटी एट सिक्सटी एट टू सेवनटी एट ज्वाइंट फैमिली मी एंड माई अंकल्स फैमिली वी आर सेवन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टू ग्रैंड पेरेंट्स तो सिक्सटी एट से सेवनटी एट तक मेरी फैमिली में सिक्सटी प्लस के लोग दो ही थे और चिल्ड्रन कितने थे सेवन अभी दुनिया में क्या हो गया अभी दुनिया में क्या हो गया बच्चे कम हो गए और सीनियर सिटीजन ज्यादा हो गए और हर साल ये बढ़ते जाएंगे अगले साल जो 59 के हैं वो 60 में आ जाएंगे दो साल में जो फ... पांच साल में जो 55 के हैं वो 60 में आ जाएंगे और पंद्रह साल में जो 44 के हैं 45 के हैं वो 60 में आ जाएंगे अब आने वाली दुनिया में जब तक ये दुनिया आप नजर आ रही है आपको तब तक बच्चे कम होते जाएंगे और वृद्ध बढ़ते जाएंगे कुछ खतरा नजर आ रहा है दिस इज गोइंग टू हैपन समझ लीजिएगा इस खतरे को पर यह खतरा हिंदुस्तान में नहीं है अभी हिंदुस्तान में नहीं है कैसे नहीं है अगला चार्ट आप देखिए और इस खतरे से होगा क्या ये भी समझने की जरूरत है और आपको ये भी समझ में आएगा कि इंडिया की GDP इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है क्योंकि वॉट इज इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक इज नथिंग बट एक्सचेंज और आपकी फैमिली में खर्चा सबसे ज़्यादा कौन करवाता है कौन करवाता है बच्चा अब देखिए यूरोप में बच्चे केवल सौ में से उन्नीस है कितने हैं से केवल उन्नीस वृद्ध कितने हैं थर्टी फोर लुक एट चाइना नाइनटीन थर्टी थ्री और ये फोर्टी सेवन की बात कर रहा हूं आज की बात नहीं कर रहा हूं और फोर्टी सेवन में भी इंडिया के अंदर बच्चे ज्यादा होंगे और वृद्ध आज से पच्चीस साल के बाद भी कम होंगे कितनी अच्छी बात है ना हिंदुस्तान के लिए लेकिन आपके लिए खतरे की बात है आपके लिए खतरे की बात है क्यों क्योंकि केवल आपके पास बच्चे हैं और उनके पास बूढ़े ज्यादा हैं तो वो क्या करेंगे उनके पास पैसा भी ज्यादा है वो आपके बच्चों को ले जाएंगे दे विल ऐड टू दी डी पी ऑफ इंडिया बट दे विल ऐड टू योर ट्रबल आपके पास दो बच्चे होते हैं एक होता है लायक एक होता है नालायक होता है कि नहीं बताइए है कि नहीं दो ही तरह के बच्चे होते हैं और दुनिया किसको ले जाएगी आपके पास कौन रह गया आपको उसका भी ध्यान रखना है अपना भी ध्यान रखना है तो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा क्या करने की जरूरत है रिटायरमेंट प्लानिंग आप मेरी कुछ बात माने ना माने कल सुबह जाके आपको पहला काम करना है अपने एडवाइजर को बोलना है क्या मेरा रिटायरमेंट के लिए आपने प्लानिंग की है दिस इज बिगेस्ट चैलेंज इन योर लाइफ इंडिजुअल्स लाइफ दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया बट इट इज अ चैलेंज फॉर यू एज एन इंडिविजुअल और खासकर मैं उनसे मुखातिब हूं जिनकी उम्र पैतीस साल से कम है जो भी व्यक्ति यहां पर पैंतीस साल से कम है कागज पे लिख लीजिए आप सौ साल की जिंदगी पार करेंगे आपके पास खूब पैसा होगा क्योंकि इंडिया में पैसा बहुत बन रहा है लेकिन इन 100 सालों में जो आखिरी चालीस साल हैं आप अकेले रहेंगे वापिस बोलता हूं चालीस साल आप अकेले रहेंगे पानी का गिलास भी पीना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे प्रिपेयर योर फॉर दैट वो रिटायरमेंट प्लानिंग आप जरूर कीजिएगा सो पहला कारण इंडिया में क्यों जीडीपी बढ़ेगी वो कारण ये नहीं है कि इंडिया अच्छा कर रहा है वो कारण ये है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत खराब कर रहे हैं तो दूसरे को देखना क्यों जरूरी है आइए इस बात को समझते हैं कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कैब ड्राइवर को बोला है गाड़ी धीरे चलाओ टाइम इज अप माई गॉट कंटिन्यू मैं डर गया एक बार तो कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कैब ड्राइवर को बोला है गाड़ी धीरे चलाओ कितनी बार हुआ है कभी हुआ आपके साथ आप क्यों मना करते हैं कैब ड्राइवर को गाड़ी धीरे चलाने के लिए क्यों कहते हैं क्योंकि स्पीड से डर लगता है अच्छा कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि हवेजाज में यात्रा करते वक्त आपने को बोला मैडम पायलट को बोलो ना धीरे चलाए <laughs> कभी बोला आपने क्यों नहीं बोला क्यों नहीं बोला आपका ब्रेन तब तक रिएक्ट नहीं ब्रेन आपका फैक्ट को रिएक्ट नहीं करता है फैक्ट्स फैक्ट्स एंड फीलिंग दो बातों को जिंदगी में समझ जाइए दोस्तों फैक्ट कभी भी आपसे काम नहीं करवा सकते हैं आप में से कितने लोग ये बात नहीं जानते हैं कि हवाई जहाज आठ सौ किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है सब जानते हैं ना फैक्ट आपको मालूम है लेकिन सौ किलोमीटर की कार से आप डरते हैं हजार किलोमीटर के हवाई जहाज से नहीं डरते हैं क्यों क्योंकि वहां स्पीड फील नहीं होती है होती है क्या इनफैक्ट जो पहली बार हवाई जहाज में बैठता है वो क्या बोलता है खिड़की के बाहर देखते ही उड़, उड़ता है कि खड़ा हुआ है यू डोंट फील द स्पीड एंड वेन यू डोंट फील द स्पीड यू आर नॉट अफ्रेड तो हवाई जहाज में आपको स्पीड फील क्यों नहीं होती है क्योंकि दूसरा नजर नहीं आता है दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी इसलिए मैं आपसे यूरोप की बात करूंगा चीन की बात करूंगा जब तक आपको यूरोप की कमजोरी समझ में नहीं आएगी तब तक हिंदुस्तान का दो समझ में नहीं आएगा अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तान में सैंतालीस में क्या हो गया कह के चला गया तो आप कल सुबह भूल जाएंगे लेकिन अगर मैं आपको कहानी बताऊंगा यूरोप में क्या हो रहा है तो आपको याद रहेगा क्योंकि उन्होंने हम पर राज किया है और हम उनके गुलाम रहे हैं तो पहले देखिए यूरोप में क्या हो रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको बताएगा दुनिया में क्या हो रहा है लुक एट दिस चार्ट दिस इज दी डी पी ऑफ एडवांस इकोनॉमीज एक बात बताइए आप में से कितने लोग खुश हुए थे अभी महीने भर पहले वो खबर सुन के कि हिंदुस्तान की जीडीपी इंग्लैंड से ज्यादा हो गई खुश हुए थे कि नहीं हुए थे हुए थे अब अपने आप को ब्रिटिशर समझिए आपको कैसा लगेगा उल्टा लगेगा ना उल्टा लगेगा कि नहीं इन विचारों के साथ देखिए क्या हो रहा है पिछले बीस सालों से पिछले बीस सालों से क्या हो रहा है इनके साथ में बीस सालों में दे हैव लॉस्ट ट्वेंटी ऑफ देर वेल्थ टू एमर्जिंग मार्केट्स हैव लॉस्ट वेल्थ टू मार्केट्स तो अब वहां क्या हो रहा है आप जानते हैं वहां पर जो नए वोटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं अपने सरकार से हमें वो सरकार चाहिए जो हमें इनसे अलग करे पॉपुलर गवर्नमेंट बोलते हैं इसको तो ट्रंप बोलते हैं मैं दीवार बनाऊंगा मैक्सिको के बीच में ब्रिटेन बोलता है मैं ब्रेग्जिट बाहर निकल जाऊंगा उनको ऐसा लगता है कि उनके दम पर हमने पैसा कमाया है इस बात से वो परेशान है और इस बात से परेशान होकर वो अलग थलग होना चाहते हैं और जब वो अलग थलग होंगे तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा था पैसा कब बढ़ता है कोलोबरेशन एंड कॉपोरेशन तो क्या होने वाला है दुनिया में रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन तो इसमें जितने भी दोस्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो देश वो परेशानी में आएंगे हिंदुस्तान भी एक्सपोर्ट करता है पर हिंदुस्तान की निर्भरता एक्सपोर्ट में मुकाबले दूसरे देशों के कम है सो तो बहुत से इकोनॉमिस्ट क्या जानते हैं वो क्या कह रहे हैं बहुत से इकोनॉमिस्ट जापान, यूएस और यूरोप के अंदर इस तरह से उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने की वजह से एक्सपोर्ट इज नॉट द फ्यूचर डोमेस्टिक कंजप्शन इज द फ्यूचर अगर आपको याद हो चंद प्रकाश जी ने आपसे क्या कहा था दो में चाइना क्या करने लगा है डोमेस्टिक कंजप्शन की तरफ देखने लगा ब देरा सम हर्डल्स देयर वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है बहुत से इकोनॉमिस्ट अब इस बात से एक मत हैं कि आने वाले समय में दुनिया में जो ग्रोथ आएगी वो डोमेस्टिक कंजप्शन से आएगी और जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो हिंदुस्तान की जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं हिं हिंदुस्तान में क्यों अच्छे हैं हिंदुस्तान में याद रखिएगा क्योंकि हिंदुस्तान में यंग बहुत ज़्यादा है तो यंग में खास बात क्या होती है यंग में खास बात क्या होती है दोस्तों आप जानते हैं एक काम करेंगे हम यहां पर यहां पर उनको बैठाएंगे जिनकी उम्र तीस साल से ज़्यादा है रीअरेंज करेंगे सिटिंग को यहां पर उनको बैठाएंगे जिनकी उम्र तीस साल से कम है धन दौलत जायदाद बैंक बैलेंस सैलरीज ज्वेलरी प्रॉपर्टी किसके पास ज्यादा होगी जिसकी उम्र तीस से ज्यादा है या तीस से कम है तीस से ज्यादा है मोबाइल किसका महंगा होगा क्या बात समझ में आई बताइए क्या बात समझ में आई खर्चा कौन करता है यंग तो यूरोप में इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही है पटिया साहब ने क्या कहा था बूढ़े और बूढ़े हो गए बोला था ना उन्होंने वो लोग खर्चा छोड़िए वो अपनी कंपनी को भी चलाना नहीं चाहते दे टू हैव रिटायर्ड लाइफ तो क्या हो गया यूरोप में ध्यान से देखिए दोस्तों ये पिछले पंद्रह साल का यूरोप है ब्लैक डू यू सी एनी ग्रोथ रेट इन यूरोप इन लास्ट फिफ्टीन ईयर्स देख रहे हैं आप और इंडिया को आप देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा अभी तक की जितनी बात मैंने की इसमें सबसे बड़ी बात कह रहा हूं इसको इस्तेमाल कीजिए जहां भी आप कहीं जाते हैं यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं कितने देश यूरोपियन यूनियन में सत्ताईस देश है ट्वेंटी सेवन कंट्रीज टूगेदर उनके पास कितनी दौलत थी कितनी दौलत थी सिक्सटीन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड बिलियन डॉलर पंद्रह साल चौदह साल पहले सिक्सटीन थाउजेंड बिलियन डॉलर इंडिया एक कंट्री जो यूरोप का गुलाम रहा है इंडिया की दौलत कितनी थी एक साल की जीडीपी 1200 बिलियन डॉलर लेकिन आज देखिए ध्यान से पिछले 14 साल में आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 27 देशों ने मिलकर केवल 800 बिलियन डॉलर की एडिशनल जीडीपी क्रिएट की है जबकि इंडिया ने 2000 बिलियन डॉलर की जीडीपी क्रिएट की है क्या बात समझ में आई अकेले हिंदुस्तान ने कितना पैसा बढ़ाया पिछले चौदह साल में दो बिलियन डॉलर जीडीपी में राइज कितनी है एब्सोल्यूट राइज दो हजार बिलियन डॉलर एक कंट्री वहां कितने कंट्री हैं सत्ताईस सत्ताईस ने मिलकर कितना एडिशनल ग्रो किया एट हंड्रेड मजा आया हिंदुस्तान शुक्ल पक्ष में है हमारी जीडीपी कम है दूज के चांद जैसी है अंधेरा ज्यादा है रोशनी कम है पर भविष्य दूज के चांद का क्या होता है रोशनी बढ़ती जाती है यूरोप कृष्ण पक्ष में है आज पूर्णिमा है लेकिन दूसरे दिन से क्या होता जाएगा वहां अंधेरा बढ़ता जाएगा ये देख लीजिए हमारे पास पैसा कितना बढ़ा है पिछले 20-15 सालों में उनके पास क्या हुआ है आने वाले 15 सालों में अंदाज ये लगाया जा रहा है कि यह नेगेटिव होता चला जाएगा उल्टा कम होता चला जाएगा तो जब कम होता चला जाएगा तो जो वहां का सेठ है ना वहां भी हिंदुस्तान आना चाहेगा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि विदेशियों का पैसा हिंदुस्तान में आने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वहां जो भी कैपिटल फ्री होगा कैपिटल पूंजी पूंजी वहीं जाती है जहां ग्रोथ होता है वो मक्खियों जैसी है मक्खियाँ वहीं जाती है जब गुड़ होता है कैपिटल ऑलवेज चीज अर्निंग्स जहाँ जहाँ ग्रोथ होती है कैपिटल हमेशा दोस्तों वहीं जाता है तो हमारा मुकाबला चीन से है पर चीन की समस्या मैं आपको बता चुका हूं जल्दी से फिर आपको बता देता हूं चीन के अंदर काम करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं हिंदुस्तान में काम करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं यह अकेला देश है दुनिया में जहां हर साल एक करोड़ लोग काम करने वाले बढ़ रहे हैं 1960s में में मेरे फैमिली में एक कमाने वाला था आठ खाने वाले थे 1990s में में मेरे फैमिली में दो कमाने वाले थे पांच खाने वाले थे 2020s में मेरे फैमिली में तीन कमाने वाले हैं चार खाने वाले हैं कैन यू सी समथिंग हियर काम करने वालों की संख्या घर में जो मेरे फैमिली में हो रही है आप सबके फैमिली में हो रही है कि नहीं हो रही है स्ट कंट्रीज दुनिया के दस बड़े देशों में केवल हिंदुस्तान है जहां पर यह हो रहा है बाकी देशों में क्या हो रहा है काम नहीं करने वालों की संख्या बढ़ रही है और काम करने वालों की कम हो रही है मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ता था तो हैड ए सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट सेज दैट द बेस्ट ग्रोथ रिट्स एनी कंट्री अचीव्स व्हेन द राइजिंग वर्किंग वर्किंग पॉपुलेशन राइज इन दैट कंट्री ये बहुत बड़ा कारण है क्यों इंडिया के पास आपको इस तरह की ग्रोथ आएगा तो क्या चीज है इंडिया के पास ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए ग्रोथ के लिए आपको चाहिए कंजप्शन यह आपका खर्चा है इन्वेस्टमेंट्स यह बिजनेसमैन का खर्चा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यह सरकार का खर्चा है एक्सपोर्ट यह विदेशियों का खर्चा है जिस देश में खर्चा बढ़ता है वहां दौलत बढ़ती है तो अभी तक दुनिया का मॉडल क्या था एक्सपोर्ट करके पैसा कमाना अब पैसा कैसे कमाना है ये तीन खर्च बढ़ा के इन तीन खर्चों में से ये जो दो खर्चे हैं पहले वाले ये सबसे बड़े होते हैं और इन खर्चों के बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा किसी देश में है तो कौन सा है हिंदुस्तान है इसका इसका कारण कारण क्या है इसका कारण ये है कि हमारे पास डेमोग्राफी है यंग ज्यादा है इसका कारण है कि हमारे पास डिजिटाइजेशन है ये बड़ी मजेदार चीज है बहुत जल्दी से आपसे बात करूं टाइम अप हो गया है चौदह मिनट मैंने ज्यादा ले लिए हैं ध्यान से सुनिएगा मेरी बात हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा डिजिटाइजेशन हुआ है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या मतलब पूरी दुनिया में अगर सौ रुपए का कारोबार होता है ना हिंदुस्तान में केवल चार रुपए का होता है चार भी नहीं पौने चार रुपए का होता है पर पूरी दुनिया में सौ रुपए का डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है जैसे यूपीआई से पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी आपने पेमेंट किया हिंदुस्तान में चालीस रुपए का होता है बात समझ में आ रही है आपको इतना ज्यादा डिजिटल कोई कंट्री ट्रांजेक्शन में नहीं है तो इससे होगा क्या ध्यान से समझिएगा यह हुआ है कोविड की वजह से कोविड ने मेरी पत्नी को भी डिजिटल बना दिया है। और मेरी पत्नी को सब्जी बेचने वाले को भी डिजिटल बना दिया है और यह हुआ क्यों? क्योंकि हमारे पास नंदन नीलेकणी है उन्होंने हमें एक तोहफा दिया जिसको बोलते हैं आप आधार और आधार मोबाइल में जब मिल जाता है और बैंक अकाउंट ये तीनों साथ आते हैं तो दुनिया पलट जाती है दोस्तों कैसे पलटती है ध्यान से सुनिएगा आपको सिर्फ यह समझना है कि इनकम क्या होती है इनकम का मतलब होता है खर्चे की संभावनाओं का बढ़ना तो कोविड से पहले मेरी पत्नी क्या करती थी कि हर महीने तीस चालीस हजार रुपए नकद निकालती थी बैंक से मैं तो ऐसे भटकता रहता हूं हिंदुस्तान में घर में रहता ही नहीं तो वो ये सारे काम संभालती है वो पैसा नकद क्यों निकाल के लाती थी किचन का सामान हर महीने खरीदना है पर पैसे को कहां रखती थी तीस हजार चालीस हजार बैंक से निकाला और कब्बे में अलमारी में बंद कर दिया वो दफन हो गई वो लक्ष्मी किसी के काम आ रही है दुनिया में किसी के काम दैट्स लीकेजेस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी के सर्कुलेशन से वो चालीस हजार रुपए बाहर हो गए और मेरी पत्नी अकेली महिला दुनिया में नहीं है हिंदुस्तान में कितनी महिलाएं ये करती हैं वो सारा का सारा पैसा सर्कुलेशन से बाहर आ गया फिर एक दिन बाजार जाएगी उस तीस हजार चालीस हजार में से एक हजार रुपए निकालेगी दुकान जाएगी और जब तक दुकान जाएगी तब तक वो पर्स के अंदर दफन है दुकान गई हजार का सामान खरीदा हजार रुपए दुकानदार को दिया दुकानदार ने हजार रुपए लेके बेचारी उसको फिर बंद कर दिया अपने गले के अंदर ताला लगा दिया वो पैसा किसी के काम आ रहा है किसी के काम नहीं आ रहा है अब मेरी पत्नी पैसे नहीं निकालती है क्योंकि वो डिजिटल हो गई है तो पैसा कहाँ है बैंक में है मेरी पत्नी सामान खरीदने जाती है हजार रुपए का सामान खरीदती है पेमेंट करती है दुकानदार को और दुकानदार से पूछती है पेमेंट मिल गया दुकानदार कहता है पेमेंट मिल गया बताइए पैसा कहाँ है बैंक में उसके खाते में मेरी पत्नी के खाते से दुकानदार के खाते में पर है बैंक में और बैंक पैसा लेता क्यों है? तो है वो चालीस हजार रुपया बैंक में रहता है और बैंक किसी और को पैसा देने के लिए अपने पास रखता है और आपको एक फोन आता है लोन चाहिए क्या आता है कि नहीं आता है मजेदार बात यह सुनिए मजेदार सुनिएगा मेरे पिताजी को यह फोन जिंदगी में कभी नहीं आया क्योंकि मेरे पिताजी के जमाने में सब कैश में डील करते थे समझ रहे हैं आप दूसरी चीज समझिएगा एक और चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फटाक से बैंकों को व्यापारी को बताती है कि इस लड़के को क्या खरीदने की इच्छा है और बैंक से कहती है इसको पैसे दे दो भाई ई दे दो और लड़का आपका ग्राहक बन जाता है बनता है कि नहीं बनता है लड़का या लड़की जो भी हो क्यों क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं और डिजिटल फुटप्रिंट्स होने की वजह से व्यापारी अच्छी तरह से आप ग्राहक बना सकता है आप एक पुणे के मॉल पर खड़े रहिए दो तरह के लोग आते हैं एक जो कैश में खर्चा करते हैं एक जो डिजिटल खर्चा करते हैं कौन से लोग ज्यादा खर्चा करते हैं क्यों क्योंकि दिमाग को समझ में नहीं आता आप खर्चा कर रहे हैं देर इज नो पेन ऑफ सेपरेशन देर इज नो पेन ऑफ सेपरेशन इसकी वजह से खर्चा ज्यादा होता है और जब खर्चा ज्यादा होता है तो इसीलिए यंग लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं जबकि उनके पास पैसा आपसे कम है ये जो चीज है इंडिया के अंदर एक्सचेंज को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं सिर्फ एक मामूली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि जरूरी है प्री है जीडीपी ग्रोथ के लिए और वो क्या है जप्शन एंड डिमांड ये चारों चीजें जो इंडिया के पास है बहुत कम कंट्री हैं दुनिया में उनके पास में ये चारों चीजें हैं ये बात मैं आपको बता चुका हूं इंडिया की वेल्थ कितनी बढ़ने वाली है आईएमएफ ये कह रहा है कि केवल अगले पांच साल में आपका पैसा दुगना होने वाला है जीडीपी डी पी आपकी दुगनी हो केवल कितने साल में यह चार साल की तस्वीर है मैं आपको पांच साल बोल रहा हूँ विद इन फाइव ईयर्स वॉट डज इट मीन अगर मेरी आजादी के समय सौ रुपए की आमदनी थी आज दो सौ रुपए की हो गई है तो मुझे पिछहत्तर साल लगे हैं सौ से दो पहुंचने में पर दो से चार पहुंचने में केवल पांच साल लगेंगे तो देखिए किस तरह से इंडिया कहां जा रहा है ना केवल इंडिया में ग्रोथ आ रही है इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड जीडीपी में वो भी बढ़ रहा है और क्योंकि इंडिया का शेयर बढ़ रहा है इसलिए बाहर से पैसा ज्यादा आता है और ज्यादा आने की संभावना है बहुत जल्दी से मैं आपको एक और बात बताते चलूं मैंने आपसे शुरुआत की थी कि हम दो लाख सालों से कहां, थे, कहां रहते थे जंगल में रहते थे तो जंगल में हर समय किस बात का खतरा होता है दोस्तों जान जाने का खतरा होता है कि नहीं होता है कहीं से भी कोई भी जानवर आके आप पे हमला कर सकता है तो जो हमारा दिमाग है हमारा जहन है ये बहुत से काम करता है एक साथ बहुत से काम करता है इस वक्त क्या काम कर रहा है मार्केट और इकोनॉमी को समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक ग्रंथी हमारे दिमाग की जो सबसे डोमिनेंट है वो कौन सी है खतरा अगर आपके दिमाग को एक बात समझ में आ गई ना कि आपके जान को खतरा है या आपके पैसे को खतरा है पैसा भी जान जितना ही प्यारा है कि नहीं है अगर आपको किसी प्रकार का खतरा है ये अगर आपके दिमाग को समझ में आ गया तो दिमाग फिर आपको और कुछ काम नहीं करने देता है. आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं अचानक से यहां कोबरा आएगा तो आप क्या करेंगे सुनते रहेंगे कि भागेंगे <laughs> जैसे ही कोबरा नजर आया आपका दिमाग आपकी बाकी फैकल्टीज को बंद कर देगा और एक ही फैकल्टी काम करेगी देर इज ए डेंजर पत्रकार ये बात जानता है जो टीवी का पत्रकार है ना वो ये बात जानता है उसको तनख्वाह तब ज्यादा मिलती है उसको बोनस तब ज्यादा मिलता है जब वो आपकी जब आप उसकी बात सुनते हैं और वो ये जानता है कि अगर आपको खतरा दिखाएगा तो आप ज्यादा सुनेंगे तो वो आपको क्या दिखाता है खतरा और खतरा दिखाने वाला आदमी हमेशा दोस्त नजर आता है मान लीजिए मुंबई से आपके पास आता हूं मैं आपसे कहूंगा यहां से बाजार नीचे जाएगा आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे मैं आपसे कहता हूं यहां से बाजार ऊपर जाएगा आप मेरी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे पर कौन सी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि बाजार यहां से नीचे जाएगा और मेरे जाने के बाद आपस में क्या बात करेंगे कितना भला आदमी मुंबई से आके समझा के गया सावधान करके गया कि बाजार नीचे जाएगा मैं आपका शुभचिंतक हो गया पर मुंबई से आकर मैं आपसे ये कहूंगा बाजार यहां से दुगना हो जाएगा यार अपना धंधा इसका आया था करने के लिए यार <laughs> तो टीवी वाला आपको दोस्त बन के आपको बताता है खतरे आपको दिखाता है 2008 में उसने खतरा दिखाया कि दुनिया में भारी मंदी आ गई है 2010 में खतरा दिखाया महंगाई बहुत ज़्यादा है 2011 में खतरा दिखाया अमेरिका डाउनग्रेड हो गया है 2012 में खतरा दिखाया करंट अकाउंट डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है अभी थोड़ी देर पहले साहब भी इसकी बात कर रहे थे वाकई भी चिंता का विषय है पर क्या ऐसी चिंताएं हमने पहले नहीं देखी हैं देखी कि नहीं देखी हैं हमने देखी है 2013 में इसी टीवी ने आपको भयंकर रूप से डराया था रुपया टूट रहा है 20 परसेंट रुपया टूट गया था 2013 में मनमोहन सिंह एक पहाड़ से हुए आते थे याद है आपको कि भूल गए 2014 में टेपरिंग आई टेपरिंग आई टेपरिंग आई जो अभी चल रही है दो में ब्रेग्जिट आया ब्रेग्जिट आया ब्रेग्जिट आया, आया। सत्रह में नोटबंदी आ गई अठारह में जीएसटी आ गई उन्नीस के अंदर डिफॉल्ट आ गए कितने डिफॉल्ट हुए थे संस्थाओं के नाम नहीं लेना चाहते एक हाउसिंग कंपनी एक इंफ्रा कंपनी दो भाइयों में एक भाई बर्बाद हो गया एक बैंक खत्म हो गया तीन सेठ बार भाग गए सब कब हुआ था दो हजार में यही खबरें हम सुनते थे 2020 में टीवी ने हमें सावधान किया कोविड आ गया है 2021 में टीवी ने सावधान किया सेकंड वेव है पांच लाख लोग भर गए हैं 2022 में टीवी ने आपको डरा यूक्रेन की लड़ाई हो गई लड़ाई अब भी हो रही है आप बात करने को इच्छुक है क्या नहीं ना तो अभी भी हो रही है 2022 में टीवी ने आपको डराया कि यूक्रेन वॉर है और अभी टीवी आपको डरा रही है मंदी आ रही है भैया महंगाई बढ़ गई है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं महंगाई आ रही है जो टीवी देखता रहा वो डरता रहा जिसने नहीं देखी उसके लिए बाजार आठ से साठ हजार हो गया कि नहीं हो गया हुआ कि नहीं हुआ तो रोजाना टीवी देखना इज वेल्थ याद रखिएगा दो में ऐसे बहुत से पड़ाव आएंगे जब हर साल टीवी कोई ना कोई बहाने से आपको डराएगी डरना मत डरने नहीं डरने के लिए आपको क्या करना है आखिरी बात जल्दी से आपको बता दूं नहीं डरने के लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये करना है दोस्तों आपको शांत रहना है कैन यू प्रेस द बटन देयर हु इज देयर नियर नियर लैपटॉप आप प्लीज प्रेस इट ये मंत्र कभी आपने सुना है नहीं आ रहा है चलिए कोई बात नहीं नहीं आता तो कोई बात नहीं लिव इट लिव इट हाँ इट विल नॉट कम इट्स ए पेन ड्राइव इट विल नॉट कम इट विल नॉट कम ओके ठीक है इट्स नॉट माई लैपटॉप इट विल नॉट कम जब भी आप अपने जीवन को जीते हैं ना तो उसमें सोलह संस्कार हैं गर्भ धारण से लेकर मृत्यु संस्कार और ये सब संस्कार हैं ये ये समृद्धि के घू तक हैं तो जब भी आपके घर में कोई हवन होता है पहला मंत्र कौन सा होता है शांति मंत्र होता है तो शांति मंत्र क्यों होता है कि देर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी समृद्धि तब तक नहीं आएगी तब तक चित्त शांत नहीं होगा लॉन्ग टर्म अवनीश जी बता के गए पर लॉन्ग टर्म में खतरे भी तो आएंगे उतार चढ़ाव भी तो आएंगे ऐसा थोड़ी है कि महादशा बहुत अच्छी है अंतरदशाएं भी तो आएंगी शनि की आएंगी कि नहीं आएंगे आएंगे उतार चढ़ाव भी आएंगे उतार चढ़ाव में आपको विचलित नहीं होना है परेशान नहीं होना है शांत रहना है तो शांति के बिना समृद्धि नहीं आती है और शांति किसको आती है शांत कौन रहता है जो प्रिपेयर्ड रहता है और प्रिपेयर्ड कौन रहता है जो भविष्यवाणी नहीं करता है क्योंकि भविष्यवाणियां गलत हो सकती हैं और जब भविष्यवाणियां गलत होती हैं तो हमारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बनती है दोस्तों सबसे आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सिंपल है बी अ पीसफुल इन्वेस्टर रात को नींद आना बहुत जरूरी है और वो तभी होगा जब बाजार गिरे या बढ़े दोनों का आप काम करते हैं आप ये दोनों का काम कैसे करते हैं मेरी शादी हुई दोस्तों जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी काम नहीं करती थी मेरे एक बैचमेट की जिसने मेरे साथ नौकरी ज्वाइन की थी वो रेल ट्रेन से गिर के मर गया उसको देख के मैं बहुत घबरा गया जो उसके साथ हुआ वो मेरे साथ हो सकता है अगर मैं इस तरह से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ तो मेरी पत्नी का क्या होगा मैंने दो निर्णय लिए ये दो निर्णय क्या लिए मैं दो फॉर्म लेके आया पत्नी को पास में बुलाया साथ में बैठो हमें ये फॉर्म भरने हैं पहला फॉर्म था टर्म इंश्योरेंस का पत्नी कहती है टर्म इंश्योरेंस क्या होता है मैंने कहा इसमें हर साल हम प्रीमियम देंगे लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से किसी दुर्घटना की वजह से मेरी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें इतनी धनराशि मिलेगी कि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएगी मेरे जाने के बाद भी तुम आसानी से जीवन जी सकती हो पत्नी ने पूछा दूसरा फॉर्म क्या है मैंने कहा ये एस का फॉर्म है कि ये क्या होता है इसमें हर महीने हमारे खाते से पैसे निकलेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इक्विटीज में जमा होंगे और 15-20 साल 25 साल में हमारे पास इतना धन एकत्र हो जाएगा कि हम हर सपना पूरा कर सकते हैं तो पत्नी कहती है क्यों कर रहे हैं आप तो मैंने उससे पूछा टर्म इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं तो कहती अगर आप जल्दी मर गए तो मुझे इतना पैसा मिलेगा कि मैं जरूरतें पूरी कर सकती हूं किसी बीमारी की वजह से किसी दुर्घटना की वजह से अगर आप जल्दी मर गए तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक अगर मैं मर गया तो टर्म इंश्योरेंस नहीं मरा तो एस मुझे मालूम है क्या मैं कब मरूंगा बताइए आप नहीं मालूम ना तो मैं मरू उसके लिए टर्म इंश्योरेंस नहीं मरू उसके लिए एस मैंने दोनों काम किए कि नहीं किए तो ऐसे ही बाजार है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है 25 साल में पैसा बहुत बनेगा उसके लिए आप एस आई पी करेंगे इक्विटीज में लेकिन बीच बीच में गिरता भी रहेगा उसके लिए आप एस आई पी करेंगे बॉन्ड में और जब भी बाजार गिरेगा आपके पास बॉन्ड में पैसा है तो हिम्मत बंदी रहेगी डर नहीं लगेगा और इस पैसे को इक्विटी में डाल के अपनी दौलत को आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और मंदी का आना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है जो कार ब्रेक्स की बात कही थी क्यों कही थी ये प्रकृति का नियम है दोस्तों जंगलों में <perfektionicil tape> लाखों सालों से लाखों हम तो दो लाख साल से हैं एनिमल्स आर देयर फॉर ऑलमोस्ट हंड्रेड लाख ईयर्स शेर हमेशा से जानवरों को मारता है शेर हमेशा से हिरणों को मारता है भैंसों को मारता है तो फिर वो अभी तक जिंदा कैसे है क्या कारण है कि वो जिंदा है दोस्तो एक दोस्तों एक बड़ा अजीब सा नियम है जंगल का मुझे बताइएगा ये जो हिरण है जो 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 कि दोजू आर ग्रेजिंग इन अफ्रीकन अफ्रीका के जंगल्स में वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं बड़ा झुंड होता है एक बहुत बड़ा हर्ड होता है ठीक है वो झुंड आगे बढ़ता रहता है और जब वो आगे बढ़ता है या जब वो भागता है या जो भी उसकी स्पीड होती है आगे बढ़ने की वो कौन तय करता है वो कौन तय करता है जो हर्ड की स्पीड है वो कौन तय करता है कौन तय करता है दीकेस्ट नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट द वीकेस्ट बिकॉज इट्स हर्ड हर्ड का मतलब क्या है साथ रहना उनकी मजबूरी क्या है साथ रहना एक माता पिता और एक तीन साल का बच्चा तीनों ही पार्क में घूम रहे हैं किस स्पीड से घूमेंगे वो वो स्पीड स्पीड कौन तय तय करेगा करेगा बच्चा क्योंकि पिता तो बच्चा पीछे रह जाएगा तो जंगल में जो उनके घूमने की स्पीड होती है उसको कौन तय करता है सबसे कमजोर क्योंकि उसको साथ में रखना जरूरी है अब शेर हमला करेगा तो उसके हाथ कौन आएगा शेर हमला करेगा तो उसके हाथ में कौन आएगा सबसे कमज़ोर शेर ने सबसे कमज़ोर को मार दिया उसके मरने के बाद हर्ट की स्पीड क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी जब बाजार कई सालों तक नहीं गिरता है ना तो कमज़ोर भी बाजार में आ जाते हैं बात समझ रहे हैं आप और जैसे ही वो गिरना शुरू होता है तो कौन सबसे पहले मरता है जो कमज़ोर है और जिस दिन आखिरी कमज़ोर इन्वेस्टर मर जाता है बाजार फिर बढ़ना शुरू हो जाता है एक कमजोर इन्वेस्टर का आना बाजार का गिरना और उसका गायब होना बाजार के बढ़ते रहने की पहली शर्त है हिंदुस्तान के अंदर पैसा क्यों बनेगा क्योंकि आपके पास बच्चा है और मज़ेदार बात ये यह यह बच्चा जानता है कि उसके माँ बाप ने खर्चा नहीं किया है वो आपका भी ऐसा भी खर्च करेगा अपना पैसा भी खर्च करेगा और दौलत ज़्यादा बनेगी नमस्कार जय हिंद